अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC apply। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसबाली का सर्वसम्मति से अगले 3 वर्ष यानी 2024 से 2027 के लिए सरकारी वाही के दायित्व पर निर्वाचन हुआ, जिसके बाद उन्होंने संघ के कार्य एवं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में प्रसन्नता व्यक्त की और पत्रकारों के सवालों के उत्तर भी दिए। इस समय उन्होंने इस सुखद नियुक्ति हेतु संघ का धन्यवाद किया, तो वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा के विषय में बताते हुए कहा कि पौष शुक्ल द्वादशी युगाप्त 5125 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला के विग्रह की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा विश्व इतिहास का एक अलौकिक एवं स्वर्णिम पुष्ट है। हिंदू समाज के सैकड़ों वर्षों के सतत संघर्ष एवं बलिदान, पूज्य संतों और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा समाज के विभिन्न घटकों के सामूहिक संकल्प के परिणाम स्वरूप संघर्ष काल के एक दीर्घ अध्याय का सुखद समाधान हुआ। इस पवित्र दिवस को जीवन में साक्षात देखने के शुभ अवसर के पीछे शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों, विचारकों, विधिवेत्ताओं, संचार माध्यमों, बलिदानी कार सेवकों सहित आंदोलनरत समस्त हिंदू समाज तथा शासन प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेखनीय है और हुतात्मा कार सेवकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। विश्व हिंदू परिषद ने धर्माचरण ने किया था, राम जन्मभूमि में आंदोलन में संघ के स्वयंसेवक जुड़ेंगे, यह हमने निश्चित किया था, वो हमने पूरा निभाया है। बाकी हिंदू समाज जो बहुत सारे विषय को कर सकते हैं वो करें, संघ के स्वयंसेवक भी वहाँ ऐसे विषयों में उनके व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ता है तो कोई समस्या नहीं है। और एक है काशी मथुरा के संदर्भ में, देखिए हिंदू समाज के मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से, तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता। मैं अभी एक सभा में जो बताया वो संतों के सभा में वही बताऊंगा, हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होती, दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती, समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्म में आंदोलन की जो करना था वो हर चीज़ के लिए करना ही चाहिए, ऐसे आवश्यक नहीं है, शायद उसके मार्ग अलग हैं। अभी कोर्ट में मामला है, होने दीजिए, कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। ये भी न्याय अंततोगत न्यायालय में होना ही है, जो राम जन्मभूमि को हुआ तो न्यायालय देख ही रहा है, तो न्यायालय जो सूरज गया है तो आंदोलन करने उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना ही है, हर समस्या का एक ही प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। काशी मथुरा के बारे में या और किसी के बारे में हिंदू समाज समय समय पर समाज के धार्मिक सामाजिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में वो करेंगे, वो स्टेप जो करने हैं, अभी तो कोर्ट के सामने मामला है, देखेंगे कोर्ट भी क्या कहता है। पत्रकारों के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष हुए, जरूरी नहीं कि वह काशी मथुरा या अन्य हिंदू मुद्दों पर एक ही आंदोलन हो, क्योंकि समस्याओं के अनुरूप आंदोलन किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न्यायालय में है, वह न्याय संगत फैसला करेंगे। सभी लोग पिछले 4-5 दिन से संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के प्रचार विभाग के निमंत्रण पर कई प्रकार के संवाद, पत्रकार वार्ता, इन सभी में आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के बारे में न केवल जान रहे हैं, आपके सहयोग भी दे रहे हैं और हमारे विचार को देश दुनिया भर में पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए संघ के ओर से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। वैसे नागपुर के
माध्यम के लोगों के लिए संघ नया नहीं है, वैसे देश भर में कहीं भी नहीं है। एक विशेष प्रसंग मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर हुआ। पिछले बार मैं सरकारी वाक्य नाते जब निर्वाचित हुआ, मेरे ऊपर ये दायित्व आया, वो बंगलोर में था। संघ के जीवन में पहली बार संघ के इतिहास में सरकारी वाक्य निर्वाचन नागपुर से बाहर हुआ था। तो मेरे मन में दायित्व बहुत तो उसमें था, लेकिन स्मृति मंदिर परिसर में मेरे ऊपर ये गुरुतर दायित्व नहीं आया, ऐसे एक मेरे मन में था। मैं कह भी नहीं सकता था दोबारा करो ऐसे। तो जो भी हो, कोविड के कारण उस समय प्रतिनिधि सभा बैठक यहाँ नहीं हो पाई, बेंगलोर में संभव था। उस समय के जो भी प्रोटोकॉल था उसमें और SOP वगैरह थे, तो बेंगलोर में संपन्न हो गया और चुनाव वर्ष था। तो इन द लाइटर में दत्तात्रेय जी बेंगलोर के हैं, इसलिए चुनाव को बेंगलोर में खींच लिया, ऐसे किसी को लगा होगा। मेरे तो इतनी क्षमता तो मेरी नहीं रहती है। आज मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ इस गुरुतर दायित्व के लिए मेरे योग्य समझा, और इस दायित्व को निभाने के लिए जो संघ के परंपरा है, बड़ों के मार्गदर्शन है, उन्होंने जो जिस प्रकार के एक मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर चलने का प्रयास मैं करूँगा। इससे ज़्यादा इस संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता। प्रतिनिधि सभा बैठक संपन्न हो रही है, आज शाम तक समारोह के साथ पूजनीय सरसंघाचार्य जी के पार्थिव सभी प्रतिनिधि सभा में आए हुए लोगों को मिलेगा, उसके साथ बैठक समाप्त होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।